बैक टू माय चैनल। मैं फिर से आ गई आप लोगों से मिलने और एक नया वीडियो लेके। आज का जो वीडियो है वो आपको मेरे थंबनेल और टाइटल से थोड़ा बहुत पता चल ही गया होगा, लेकिन इस वीडियो को प्लीज स्टार्टिंग से लेके एंड तक पूरा देखिए, बहुत ही इंफॉर्मेटिव और हेल्पफुल होने वाला है। यहाँ पे मैंने जिस ड्रेस को यूज किया है स्टाइल अप के लिए, वो मैंने मिंत्रा से परचेस किया था। अभी शायद वो ड्रेस आउट ऑफ स्टॉक है, अगर इन स्टॉक में होगा तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में बिल्कुल डाल दूंगी लिंक। वैसे भी मैंने जो स्टाइल अप किए हैं इस ड्रेस के साथ, वो और भी बहुत सारे ड्रेस में जाएगा। मैंने मिंत्रा में देखा था बहुत सारे ड्रेस जिनके साथ ये स्टाइल अप बहुत अच्छे से जाने वाला है। मैं उन सारे ड्रेसेस का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, मिंत्रा में जाके उन ड्रेसेस को चेकआउट कर सकते हैं। अगर आपको ड्रेसेस अच्छे लगे तो आप खरीद भी सकते हैं। देखिए प्राइस मुझे ज्यादा ठीक से याद नहीं है, लेकिन अराउंड 900 से 2000 के अंदर सब होंगे। आप लोग एक बार चेकआउट कर लीजिएगा, अगर आप लोगों को लगे हाँ ये चाहिए तो आप खरीद भी सकते हैं, नो प्रॉब्लम। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को, और वीडियो स्टार्ट करने से पहले प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दे, शेयर कर दे, लाइक कर दे। इस वाले लुक के लिए मैंने ये वाला वेस्ट चेन यूज किया है और एक सिंपल सा ऑक्सीडाइज गोल्डन चोकर यूज किया है। मुझे लगा कि चोकर गले का पूरा भर देगा तो इसके साथ इयररिंग्स अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन आपको अगर खाली खाली लगे कि नहीं कान में कुछ पहनना चाहिए तो आप गोल्डन कलर का जो ऑक्सीडाइज छोटे छोटे टॉप्स मिलते हैं वो पहन लीजिए, बहुत ही सही जाने वाला है। अगर कोई इयररिंग्स इस लुक के साथ यूज करेंगे तो बहुत भारी लगेगा, वियर्ड लगेगा, आई थिंक सो। अब ये आपकी चॉइस है, आप कर ही सकते हैं। हाँ, ऐसा नहीं कि आपको ये सेम लुक करना है, आप इससे आइडिया लेके कुछ और कर सकते हैं। और मुझे लगा इस स्टाइलिंग के साथ ये वाला हेयर स्टाइल एकदम सही जाने वाला है, तो मैंने ऐसा एक सिंपल सा ही हेयर स्टाइल बना दिया है। अरे मैंने एक फिंगर रिंग यूज किया है, मैं मुझे बहुत सिंपल रखना था लुक, तो यहाँ पे मैं कड़े वगैरह पहनती तो थोड़ा भारी हो जाता आई थिंक सो, तो इसलिए मैंने एक जस्ट ऑक्सीडाइज रिंग यूज। पूरा स्टाइलिंग, अब चलते हैं नेक्स्ट स्टाइल। जो सेकंड लुक है उसको भी मैंने बहुत ज्यादा सिंपल रखा है, जस्ट बड़े बड़े दो ऑक्सीडाइज गोल्डन कलर के झुमके यूज किए हैं, क्योंकि मुझे, मैंने पहले भी बताया कि मुझे यहाँ पे सिर्फ गोल्डन कलर का कोई भी ज्वेलरी इस ड्रेस के साथ जाने वाला है, और जो सिल्वर ऑक्सीडाइज होते हैं वो आई थिंक इसके साथ बिल्कुल नहीं जाने वाला है। तो यहाँ पे मैंने कोई गले में चोकर वोकर नहीं डाला है, क्योंकि मुझे लगा कि बड़ा बड़ा जो इयररिंग्स होता है वो पूरा लुक को कंप्लीट कर देता है, और इस लुक में जो खालीपन लग रहा था ना वो जस्ट इस बिंदी से एकदम भर गया, मतलब पूरा कंप्लीट हो गया ये लुक। और मैंने इस लुक को और थोड़ा सा अच्छा बनाने के लिए इस मैट गोल्डन कलर का दुपट्टा यूज किया है। आई थिंक इस दुपट्टे के साथ ये लुक बहुत ज्यादा अच्छा लग रहा है, आप भी यूज कर सकते हैं इस तरह का लुक। अगर आपके पास कोई गोल्डन कलर का दुपट्टा है तो बिल्कुल वो यूज कर लीजिए, अगर नहीं है तो इट्स ओके, आप विदाउट दुपट्टा भी इसको यूज कर सकते हैं। तो विदाउट दुपट्टा और विद दुपट्टा आप कुछ भी करके इस तरह एक लुक बनाइए जो आपको बहुत सूट करने वाला है, बहुत ज्यादा इन वेडिंग सीजन में तो बहुत अच्छे लगने वाले हो। वाला जो लुक है उसमें मैंने इस तरह का एक झुमका यूज किया है, जो लेयरिंग वाला झुमका है इसमें मोती का काम और थोड़ा बहुत कुंदन का काम किया हुआ है, तो मुझे लगा ये थोड़ा सा अलग होगा, इस लुक को और थोड़ा सा रिचनेस देगा ये वाला झुमका। और इसके साथ मैंने सेम दुपट्टा यूज किया है, आप दुपट्टा स्किप कर सकते हो, अगर यहाँ पे दुपट्टा नहीं हो तो फिर भी ये बहुत ज्यादा अच्छा लगता। और मैंने इस लुक में हेयर को सोचा कि थोड़ा खुले हुए रखो, क्योंकि बाकी दो लुक में मैंने हेयर को बांधा है, अलग अलग हेयर स्टाइल किए हैं, इसीलिए मैंने जस्ट एक पफ बनाया है और थोड़ा एकदम सिंपल सा लुक रखा है हेयर स्टाइल का। तो आई होप ये लुक भी आपको अच्छा लगा होगा। तो आप लोगों को कौन सा वाला लुक ज्यादा अच्छा लगा प्लीज बताइएगा कमेंट बॉक्स में।